सब्सक्राइब करें प्लम्बो बहन के चैनल को और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं निक्की, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लम्बो बहन के में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी रसोई में स्लब पड़ती है वो कितनी हाइट पर पड़ती है और जो हमारी टूटियाँ हैं हमारी कितनी हाइट पर रहती है। तो जो है हमारी स्लब पड़ती है लगभग 33 इंच से 36 इंच के बीच में पड़ती है और उससे 33 इंच से हमारी टोटियाँ लगभग 10 से 12 इंच ऊंची रहती है, ताकि हमारी जो स्लप है उस पर 2-3 इंची के पत्थर भी लग जाता है मसाला वसाला लगा के, इसलिए हमें टोटियाँ ऊंची रखनी पड़ती है। और टोटियाँ हमेशा ऊंची ही रखनी चाहिए सिंक से, क्योंकि उसमें बर्तन वगैरह जो रखते हैं हम बड़े, उसमें रखने के बाद टोटियाँ हमारी अड़ती हैं उसमें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो हमारी छेनी है ये हमारा फ्रश का लेवल है। अब इससे जो है हम अपना जो हमारी स्लब पड़ेगी उसकी हाइट नापते हैं हम इस फ्रश से। तो ये देखिए, मैं यहाँ से लगाता हूँ, ये हमारा तैयार फ्रश है, इससे हम इसकी हाइट नापेंगे। तो ये देखो, मुझे नापनी है 33 इंच। तो ये देखिए, ये हम 33 इंच नाप लेते हैं। ये हमारी 33 इंच हो गई, 33। तो ये हमारी स्लब पड़ जाएगी, ये निशान लगा रखा है हमने, यहाँ हमारी स्लब पड़ जाएगी और इससे ऊपर जो है हमारी टोंटी आएंगी 12 इंची पर। अभी मैं नाप कर दिखा देता हूँ इंची टेप से। 12 इंची पर क्यों रखनी चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा होता है स्लब हमारी पड़ती है तो उस पर 2-3 इंची मसाला भी आ जाता है, इसलिए हम 12 इंची रखते हैं। ये देखिए, 12 इंची हो गई हमारी। तो ये स्लब वलब पड़ के लगभग ऐसी आ जाती है 9 या 10 इंची, और टोंटी हमेशा ऊंची ही होनी चाहिए सिंक की। और ये देखिए, मैं सिंक का साइज नाप लेता हूँ, 24 इंची सिंक का साइज है। तो लगभग हम 2 इंची तो दीवार से छोड़ देंगे, 2 इंची की पट्टी आती है स्लब पर, तो हम ये 2 इंची छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम 24 इंची नापते हैं सिंक की चौड़ाई जो है, लंबाई नापते हैं 24 इंच। तो ये देखिए, हमारी 24 इंच सिंक की लंबाई हो गई। अब 24 इंची पे हम निशान लगा लिया। अब 24 इंची के आधे करेंगे हम तो 12 इंची, ये 20 सेंटर आ गया हमारा, ये 12 इंची 20 सेंटर आ गया। तो हम 12 इंची नाप लेते हैं, ये देखिए, ये हमारा 12 इंची हो गया। अब इस 12 इंच से 3 इंची उल्टे हाथ पर नाप लेंगे, इस 12 इंची से उल्टे हाथ पर यानी लेफ्ट पर 3 इंची नाप लेंगे, एक टोटी वहाँ आ जाएगी हमारी। ये जो निशान लगा रखा है हमने यहाँ पर, एक टोटी वहाँ आ जाएगी और एक राइट साइड में 3 इंची हम नापेंगे, एक राइट साइड में आ जाएगी, क्योंकि हम इसमें 2 टोटियाँ दे रहे हैं इसलिए।